गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एकादश पाठ मीन्स पाठ 11 श्रृंगी ऋषि नगरी मीन्स श्रृंगी ऋषि की नगरी। ठीक है, तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं एक फर्स्ट पैराग्राफ हम पहले रीडिंग लेंगे, फिर इसका अनुवाद समझेंगे। ठीक है, जो भी डाउट रहता है आदत डाल दीजिए शब्दार्थ से आप देखने की। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व दिशि धमतरी जिला अंतर्गत सिहावा नगरी विद्यते। पर्वत से सघन गुहा भी विविध मठ च आच्छादिता इयं नगरी प्रसिद्धा। पर्वतस्योपरी भागे श्रृंगी ऋषे आश्रम अस्ति। श्रृंगी ऋषे धर्मपत्नी शांता देवी अपि अस्मिन् पर्वते विराजते। अब इसका अनुवाद देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व दिशा में धमतरी जिला के अंतर्गत सिहावा नगरी स्थित है। विद्यते का मतलब क्या होता है? स्थित है। पर्वतीय गुफाओं और अनेक मठों से आच्छादित जो श्रृंगी ऋषि की जो नगरी है उसमें जो पर्वत और सघन गुफा मतलब आप देखे हैं बड़े बड़े जो पर्वत रहते हैं उसमें मतलब से घुसने का रहता है बड़ा सा से गुफा तो आप जानते ही होंगे। और अनेक मठों से यह नगरी आच्छादित है मतलब वहाँ बहुत सारे गुफा हैं, पर्वतीय गुफा और मठ से आच्छादित है। पर्वत के ऊपरी भाग में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक है, श्रृंगी ऋषि की धर्म पत्नी शांता देवी भी इसी पर्वत में विराजती है। पर्वतस्य गुहां शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा प्रतिष्ठिता। अस्य क्षेत्रस्य इयं सिहावा नगरी प्रयाग इति अभिधीयते। सिहावा क्षेत्रस्य समीपे साकरा नाम ग्रामः अस्ति। यत्र दंतेश्वरी माता बस्तर राज्ञः कुलदेवी इति ख्यातिं प्राप्ता। नगरवासिनः देवीं दंतेश्वरीं शक्तिस्वरूपां मन्यते। अत्र शक्तिस्वरूपा सती माई गादी माई च विराजेते। ग्रामदेवता ठाकुरदेवः अपि जनैः पूज्यते। सघन वनानां मध्ये प्रतिष्ठिता देवी कालिका खल्लारी ग्रामान्तर्गतं विद्यते। अत्र आगंतुकाः श्रद्धालुजना स्वकामना प्राप्त्यर्थं देवीं प्रार्थयन्ति। देवी कालिका तेषां आकांक्षां पूरयति। पर्वत की गुफाओं में शक्ति स्वरूपा दुर्गा प्रतिष्ठित है। सिहावा नगरी को इस क्षेत्र का प्रयाग भी कहते हैं। सिहावा के समीप साकरा नामक गांव है। यहाँ बस्तर के राजाओं की कुलदेवी दंतेश्वरी माता लब्ध प्रतिष्ठित है। नगरवासी देवी दंतेश्वरी को शक्ति स्वरूपा मानते हैं। यहीं शक्ति स्वरूपा सती माई और गादी माई विराजती है अर्थात निवास करती है। ग्राम देवता ठाकुर देव की भी पूजा लोग करते हैं। खल्लारी में घनघोर जंगलों के बीच देवी कालिका प्रतिष्ठित है। यहाँ आए भक्तजन अपनी कामना पूर्ति के लिए देवी से प्रार्थना करते हैं। कालिका देवी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। आकांक्षा का मतलब इच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट भी। देवी कालिका न केवलम छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्युत सर्वत्र प्रसिद्धा। अत्र कर्णेश्वर धाम स्वविपुल सांस्कृतिक संपादि भी परिपूर्णम अस्ति। भौगोलिक प्राकृतिक आदिम संस्कृति पुरातात्विक संपदा नाम निधि सप्त ऋषिनाम स्थलों च इयं सिहावा नगरी छत्तीसगढ़ राज्ये अतीव प्रसिद्धा।
तो ये चैप्टर है, तो लास्ट पैराग्राफ है कि कालिका देवी, काली माता, ना केवलम मीन्स होता है ना केवल छत्तीसगढ़ में वरन पूरे राज्य में, छत्तीसगढ़ में ही नहीं मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर देशों में भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ कर्णेश्वर धाम सांस्कृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है मतलब भरा हुआ है। यहाँ जो सांस्कृतिक सांस्कृतिक विपुल है से भरी हुई है संपदाओं से। सिहावा नगरी छत्तीसगढ़ राज्य में भौगोलिक प्राकृतिक आदिम संस्कृति, आदिम का मतलब होता है पुरानी अर्थात प्राचीन संस्कृति से परिपूर्ण है। यहाँ सप्त ऋषियों के लिए अति प्रसिद्ध है। यहाँ का जो स्थान है अर्थात श्रृंगी ऋषि नगरी का जो स्थान है वो सप्त ऋषियों की स्थली के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब आप देखेंगे आगे कि शब्दार्थ है, जो भी आपको शब्दों में डाउट होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका होमवर्क है कि चैप्टर में से, इस पार्ट में से प्रश्न 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके उत्तर आपको खुद से खोजने हैं। प्रश्नों के उत्तर तो मैं आपको खुद कराऊंगी, लेकिन रिक्त स्थान की पूर्ति आप खुद से करेंगे पाठ को अच्छे से पढ़कर और समझकर। ठीक है।